नमस्कार दोस्तों, पूर्व विधायकों की श्रृंखला में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं परमेंद्र सिंह ढुल जी। जुलाना हलके से ये दो बार विधायक रहे हैं, 1991 से राजनीति में हैं, लेकिन हम इनसे जानने आए हैं चौधरी दल सिंह जी के बारे में। मीसा के तहत उनको रोहतक जेल में बंद किया गया, बिल्कुल, और उस समय जो चौधरी चरण सिंह की हरियाणा में एक लहर बन गई थी, बिल्कुल, और चौधरी बंसीलाल के खिलाफ एक लहर बन गई थी, बिल्कुल, चौधरी दल सिंह जी रोहतक जेल में थे, बिल्कुल, और ऐसा कहते हैं लोग, चौधरी चरण सिंह ने भी कई राजनेताओं के सामने कहा कि जो सरकार उसके बाद बनी उसमें चौधरी दल सिंह को वो मुख्यमंत्री बनाते, लेकिन ऐसा चौधरी बंसीलाल और चौधरी दल सिंह के बीच क्या मीटिंग रोहतक जेल में हुई कि वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वो एक उनके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर बन गया। वो असल में उन दिनों तीन बड़े नेता पैरोल पे आए थे, एक तो खुद चौधरी चरण सिंह थे पैरोल पे आए थे, और चौधरी दल सिंह थे राजस्थान में कुंभाराम आ रही है, अच्छा, वो भी पैरोल पे आए थे, और पैरोल पे आने के बाद इन दोनों नेताओं ने, कुंभाराम आ रही है ने भी और चौधरी दल सिंह ने भी, अपने चंद साथियों से विचार विमर्श करके जो शायद इस पक्ष के थे कि ये एमरजेंसी नहीं हटेगी, किस प्रकार से लंबी चलेगी, हम किस प्रकार से काम चलाएं, उनको मजबूर कर दिया कि वो चौधरी बंसीलाल के साथ कांग्रेस में जाएं, और वो कांग्रेस में उस समय चले गए थे। और वो बहुत ही गलत, और मैं उस समय ला का स्टूडेंट था, बल्कि हमने बहुत विरोध किया, मैंने कहा था माँ हिंदुस्तान की जनता इन कांग्रेस को अभी नहीं देखना चाहती, आप गलती ना करो, अच्छा, थोड़े दिन की बात है, एमरजेंसी हटेगी, तो उन्होंने बात नहीं मानी, लेकिन क्यों उनके भाग्य मत ये लिखा। उसके बाद तो जो चुनाव उसमें हार भी गए, उसमें हार गए थे चुनाव में, उनको कांग्रेस की टिकट मिल गई थी जीन से, लेकिन वो डरते हुए कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी घुसने ना दें, तो उन्होंने टिकट छोड़ दी थी, और टिकट छोड़ने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा वो हार गए थे, तो वो एक गलत, एक उनका फैसला रहा, वो बिल्कुल गलत फैसला और रहा। बताते हैं कि उनके उस वो दौर उनका ऐसा था कि जब उनके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां भी काफी रही, ज्यादा रही थी, उनका प्रेशर भी उनके ऊपर रहा, पारिवारिक जिम्मेदारी, हमारी पांच में एक भाई था, मेरी चार पांच बहनें थी, सभी शादी लायक थी, और ये लगता था कि घर में संभालने वाला कोई नहीं है, किस प्रकार से घर चलेगा, किस प्रकार से वैसे चलेगा। वैसे जो दल सिंह के पास बताते तो कभी रहे नहीं, नहीं कभी कभी पैसा तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी बेईमानी, ठगी, ठोरी, झूठ बोलना कभी नहीं किया, और वही हमारे को सिखाए गए थे, बल्कि उनका तो उनका आम आदमियों से बड़ा संपर्क रहा करता, और मेरे को देख याद है नारा लगा करता, हम तो छोटे छोटे थे सुना करते दल सिंह के तीन यार, भल्ला सुनार, कुंदन कुमार और चंदू चमार, अच्छा, तो ये नारा लगते थे उनके विरोधी नारे लगा करते, वो इसके तीन यार हैं, दल सिंह के तीन यार, हाँ, भल्ला कुमार, भल्ला सुनार, कुंदन कुमार और चंदू चमार, और कुंदन लाल जी बाद में सफीदों से विधायक भी बने, उनके पुराने सहयोगी थे, और उनके सहयोगियों में बाबू दयाक्षण थे, जिनसे दो तीन बार वो दो बार MLA भी रहे, MLC भी रहे, उनके बड़े सहयोगी साथी थे, तो ये उनका आम आदमी ये संपर्क था, और कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोली, बेईमानी नहीं की, यही चीज हमारे को सिखाए गए थे कि अभी जिंदगी में कुछ, अच्छा, जैसे कोई काम लेके आ गया तो अगर होने का था तो कह देते तो हो जाएगा, वो बस ये उनका काम अगर होने का है तुरंत उसकी हाँ भरनी, नहीं होना तो उसको साफ इनकार भी कर देना, और ये उनके खिलाफ भी गया कई बार, हक में भी गया, और यही चीज मुझे सिखाई गई, तो मुझे भी हक में गया, कई खिलाफ भी गया, मैं भी जो काम मेरे है कर सकता हूँ उसकी मां बढ़ लेता हूँ, नहीं कर सकता मैं इनकार कर देता हूँ, इसका नुकसान भी है, आजकल लोग झूठ ज्यादा पसंद करते हैं, राजनीति तो कहते हैं राजनीति में झूठ तो चलता ही है, हम आदत नहीं है, बोल नहीं पाते, उनकी कार्यशैली देखा करते, बोल ही नहीं पाते, क्या करें। अच्छा, जैसे वो मंत्री भी रहे, इतना लंबा दौर की राजनीति थी, तो जैसे आप लोग आजकल देखते हैं जैसे नेताओं के बच्चे बहुत सक्रिय रहते हैं, तो उन्होंने आप लोगों को कहाँ रखा है उस नहीं दौरान? हम हमारे को फैमिली को किसी भी फैमिली के आदमी को राजनीति में सक्रिय नहीं किया, ना उन्हें दिया। अच्छा, वो नहीं चाहते थे आप राजनीति? नहीं चाहते थे, आगे भी नहीं किया कोई, आपका कोई हस्तक्षेप भी नहीं था? नहीं, कोई हस्तक्षेप करवाई ही नहीं, हम तो केवल चिट्ठी लिखने तक सीमित थे। अच्छा, किसी को जवाब देना हो तो चिट्ठी, चिट्ठी उनकी चिट्ठियाँ जाती थी, वो पोस्ट कार्ड लिखते थे, अच्छा, मीटिंग के लिए हर महीने मीटिंग करते थे अपने साथियों की, और वो पोस्ट कार्ड लिखने का हम सभी भाई बहन अपने स्कूल के टाइम से निकाल के पोस्ट कार्ड लिखने का इतना ही काम था हमारा,
तो उस समय तो ये होटल कल्चर भी नहीं थे ना। तो जैसे इतने बड़े बड़े राजनेता आपके घरों में रूटीन में ही आते रहते होंगे, तो फिर तो एक तो जो घर की जो महिला है वो तो रोटी बनाने में ही लगी रहती होंगी। बस मेरी माता थी और स्कूल टीचर भी थी, हम सारे भाई बहन इकट्ठे, हमारे अंदर एक एक डेढ़ साल सवा सवा साल का गैप था, हम इकट्ठे स्कूल में जाया करते, सब अपनी माँ के साथ जाना, अपनी माँ के साथ आना, सारा काम वो सुबह 3 बजे उठ के सारा काम निपटा करके तैयार करके खाना बना के, मेरे चोई साहब का भी खाना बना के, सब का बना बनू के जाना, आगे फिर काम संभालना, वन तक हमारी माता रही है। अच्छा, उनकी वजह से चोल दल सिंह से जैसे उनके जीवन की शायद 91 में उनकी डेथ, 91 जनवरी, तो 91 तक जब जिंदगी के वो अपने अनुभव बताते थे राजनीति के बारे में, तो क्या ज्ञान आपको देके गए वो? भाई ये कहते हैं कि राजनीति जो जिस असूलों पर राजनीति चलनी चाहिए, जिस असूलों पर राजनीति का एक उत्कृष्ट है कि ये सेवा के लिए थी। अब जब आज़ादी के अंदर राजनीति का पार्टियां बनी तो ये आज़ादी देने के लिए, उसके बाद लोगों की सुख सुविधा लोगों को प्रदान करने के लिए बनी थी, उसी दिशा में काम करना चाहिए। राजनीति का व्यापार उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी माना नहीं, राजनीति को सेवा का माध्यम माना, और यही हमारे को सिखाए गए थे। अच्छा।